हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ वन डिके निकुलाई एन वर्सेस टाइम टी फ्रॉम द ग्राफ। फाइंड आउट हाउ वन कैन डिटरमाइन द हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। सो द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज दैट इज रेडियो एक्टिव डिके, राइट। एंड वी नो रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है, लाइक ये हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है, ये हमारा टाइम होता है, राइट। एंड इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, लाइक इसके इक्वेशन की अगर बात करें तो इक्वेशन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट दैट इज इक्वल टू एन नॉट ए टू पावर माइनस लैम्डा इन टू टी, है ना, जहां पे एन नॉट हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, राइट, कह सकते हैं। एंड हमारा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज दैट इज डीके कांस्टेंट, राइट। सो ये हमारा होता है, राइट। सो यहां से हम देख सकते हैं, लाइक टी इक्वल टू जीरो पे जो एन की वैल्यू होगी दैट इज एन नॉट के इक्वल होगा, से हमारा एन नॉट है टी इक्वल टू जीरो पे। एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एन नॉट की वैल्यू घटेगी, तो हमारा कुछ ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, राइट। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द डिके कॉन, लाइक एन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द वेरिएशन ऑफ लाइक अनडिके न्यूक्लियाई, राइट। दिस इज द अनडिके न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम का ये ग्राफ हो जाएगा, राइट। नाउ हमें ग्राफ से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे लाइक हाफ लाइफ क्या होगा, उसके लिए हमें पता होना चाहिए हाफ लाइफ किसे कहते हैं, राइट। तो हाफ लाइफ हम कहते हैं जहां पे जिस टाइम पे द टाइम द हाफ लाइफ द टाइम एट विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, राइट। तो हम कैसे निकाल सकते हैं ग्राफ से, तो ग्राफ से लाइक ये लेट्स से हमारा एन नॉट यहाँ पे देख लेंगे हम, एन नॉट बाई टू का लाइक लाइन कौन सा है, राइट। यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस के, एंड इस ग्राफ को जहां पे कट करेगा ये हमारा ये जो टाइम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा टी हाफ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लाइक रीडिंग नोट करके हम बता सकते हैं टी हाफ हमारा क्या है, राइट। और भाई इक्वेशन हम अगर बताना चाहें तो एन की जगह पे क्या लिख देंगे, एन नॉट बाई टू। नाउ यहां से जो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज ln 2 अपॉन लैम्डा आ जाएगा, राइट। और भी मैथमेटिकली बात करें तो क्या हो जाएगा, दैट इज n हमारा क्या होना चाहिए हाफ लाइफ के लिए, n नॉट बाय 2 होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू n नॉट e टू पावर माइनस लैम्डा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये t हाफ हो जाएगा, दैट इज हाफ टाइम, राइट। सो यहां से n नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा into t हाफ इक्वल टू ln ऑफ 2, राइट। सो यहां से t हाफ हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज ln 2 अपॉन lambda, right? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t half आ जाएगा, right? Now, half life क्या होता है? And average half life की बात करें, तो average half life क्या हो जाएगा? That is, we know average हम कैसे निकालते हैं? That is integration of, that is n upon total number of, यही हमारा average हो जाएगा, right? So average निकालने के लिए, like इस graph को जिसके एक एवरेज किसी भी फंक्शन का निकालते हैं, तो एवरेज के लिए क्या लिखते हैं, दैट इज अगर एवरेज हाफ लाइफ की बात करें, राइट, लाइक एवरेज लाइफ की बात करें, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू लाइक ऐसे निकालते हैं ना, लाइक वाई इंटू एफ लाइक एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट, इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट, ये हमारा होता है। सो यहाँ से भी सेम ऐसे करेंगे, लाइक ये फंक्शन ऑफ टाइम है, तो टी इंटू एफ ऑफ टी दैट इज एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी का इंटीग्रेशन कहाँ से, जीरो से टी तक, लाइक जीरो से लेके इन्फिनिटी पे ये लाइक एंड हो रहा है, तो जीरो से इन्फिनिटी तक अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ दिस टोटल इंटीग्रेशन क्या, लाइक अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, लाइक टोटल नंबर ऑफ लाइक इनिशियल वैल्यू ऑफ द लाइक न्यूक्लियर, राइट। तो ये हमारा एन नॉट हो जाएगा, है ना। तो नाउ इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज
सो एवरेज लाइफ दैट इज इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी, नाउ उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे इन नॉट से इन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा, राइट। सो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी अपॉन माइनस लैम्डा, राइट, एंड लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, राइट। तो इन्फिनिटी पुट करने पे क्या आ जाएगा, दैट इज अगर हम इन्फिनिटी पुट करें तो ये जीरो हो जाएगा, राइट। तो जीरो माइनस जीरो पुट करने पे ये वन हो जाएगा, तो वन अपॉन माइनस ऑफ लैम्डा, राइट, ये हो जाएगा, राइट। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा टाउ का, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा, राइट। तो दिस इज द आवर लाइक एवरेज हाफ लाइक एवरेज लाइफ, राइट। सो द आवर फाइनल आंसर इज लाइक जो हमारा हाफ लाइफ आया दैट इज इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू एल एन टू अपॉन दैट इज लैम्डा, राइट। एंड टी एवरेज लाइक हाफ लाइफ अगर एवरेज लाइफ की बात करें तो ये क्या आएगा, दैट इज वन अपॉन लैम्डा, राइट। सो दिस इज द आवर फाइनल रिजल्ट, राइट, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस होल क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।